उस वीडियो में वाईफाई की कॉल आ जाने के कारण वो डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद तुरंत आगे हमारा आया केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्लिसरॉल का ही पढ़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले हो गए थे, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके जो रासायनिक गुण है उसमें देखिए क्या रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम दाब से अभिक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया, ऑक्सैलिक अम्ल से अभिक्रिया। अच्छा, ऑक्सैलिक अम्ल में दो प्रकार से अभिक्रिया होती है, एक में न्यूनतम मात्रा होती है ऑक्सैलिक अम्ल की, एक में अधिकतम मात्रा होती है। इसका डिहाइड्रेशन ठीक है, और एक है हमारा ऑक्सीडेशन ठीक है। जो इसकी रिएक्शन से समझ लेंगे, सोडियम दाब से, PCl5 से, नाइट्रिक अम्ल से, हाइड्रोजन आयोडाइड से, ऑक्सैलिक अम्ल से, और इसका डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन। क्लियर ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट नंबर पे था सोडियम मेटल से अभिक्रिया। तो देखते जाएंगे सोडियम मेटल से किस प्रकार अभिक्रिया है। ग्लिसरॉल CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्लियर, सोडियम दाब से अभिक्रिया है, तो इसमें सोडियम दाब से अभिक्रिया कराई। सोडियम से पता था हाफ H2 मोल निकल रहा है, हाइड्रोजन का हाफ H2 मोल माने एक हाइड्रोजन परमाणु निकल गया, यहां हो गया CH2ONA, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH ठीक है। ये ग्लिसरॉल ही है, ग्लिसरॉल का डेरिवेटिव है, इसलिए इसको कहेंगे मोनोसोडियम ग्लिसरॉल, क्योंकि सोडियम कितना एक ही है ना, एक है, तो इसका मतलब मोनो एक है क्या, सोडियम मोनो सोडियम ग्लिसरॉल ठीक है। अब इस पे क्या है, इससे सोडियम की क्रिया कराएंगे, फिर हाइड्रोजन निकलेगा आधा, जब फिर आधा निकलेगा तो इसके बाद क्या होने वाला है कि ये वाला हाइड्रोजन यहां से OH वाला निकला था ना, पूर्ण संयुक्तता के लिए यहां से निकल जाएगा, तो इससे हो जाएगा CH2ONA, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2ONA। क्लियर, तो नाम सबको पता चल रहा होगा, इसमें क्या नाम हो जाएगा, डाई सोडियम ग्लिसरॉल, डाई हो जाएगा, दो सोडियम है, डाई सोडियम ग्लिसरॉल।